डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ CY के एल्गोरिदम, और इस वीडियो में हम CY के से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, सारे के सारे डिस्कस करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इवन इंटरव्यूज में भी, कहीं पे भी आपको CY के से रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं, आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। इवन आपको टास्क ये दे रहा हूं, कम से कम एक सब्सक्राइबर आपको आज ही के दिन लेके आना है, और अगर कर लोगे तो डन जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं CY के एल्गोरिदम। सबसे पहले फुल फॉर्म ही देख लो तो CY के एक्चुअल में तीन रशियन साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है कॉक, यंगर एंड कास्मी। ठीक है, इन तीनों के नाम पे ये बना हुआ है, बट आपको ये मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई पूछेंगे, बट जस्ट फिर भी आप नोट कर लो। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें CY के एल्गोरिदम यूज क्यों करते हैं, ये मेंबरशिप एल्गोरिदम है। मेंबरशिप एल्गोरिदम का मतलब क्या है, आपको कोई स्ट्रिंग दे रखी है, वेदर दैट स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, और यू कैन से वेदर दैट स्ट्रिंग बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रामर और नॉट। अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेंबरशिप एल्गोरिदम। और अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के केस में, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के केस में, अगर आपको कोई ग्रामर दे रखी है और अगर आपको कोई स्ट्रिंग दे रखी है और पूछ लें कि क्या ये स्ट्रिंग मेंबर है इस ग्रामर की या नहीं, मतलब क्या ये ग्रामर ये स्ट्रिंग को जनरेट करता है, इस तरीके दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, तो इट इज व्हाट अ मेंबर। तो मेंबरशिप एल्गोरिदम के लिए हम यूज करते हैं CY के एल्गोरिदम, और किसमें, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। ठीक है ना, तो ये सबसे पहला पॉइंट नोट कर लेना। तो ये जब हम डिसाइडेबिलिटी वाला टेबल बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं ना कि यार मेंबरशिप के केस में, मेंबरशिप प्रॉब्लम के केस में इट इज डिसाइडेबल। क्यों डिसाइडेबल है CFG? बिकॉज CFG को यहां पे मेरे पास मेंबरशिप एल्गोरिदम के लिए यहां पे प्रॉपरली एक एल्गोरिदम है CY के, जो बताता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ, और वेदर दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रामर और नॉट। तो ये मेन पॉइंट जो है सबसे पहले नोट कर लेना। विद एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले यहां पे मेरे पास ग्रामर दे रखी है और ये स्ट्रिंग दे रखी है ए फॉलोड बाय ट्रिपल बी, मतलब ए बी बी बी, ये आपको दे रखी है। हमें चेक करना है कि वेदर दिस स्ट्रिंग इज अ वैलिड मेंबर ऑफ दिस ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और नॉट। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट CY के केस में यहां पे लिखा हुआ है CY के इज एप्लीकेबल ऑन CNF, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के केस में तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को रिप्रेजेंट करने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, बट जनरली दो बड़े पॉपुलर है CNF, GNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म। तो यहां पे सिर्फ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के केस में ही हम यूज करते हैं, मतलब जो भी ग्रामर आपको दे रखी होगी वो CNF के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर होनी चाहिए। तो CNF क्या कहता है, या तो ग्रामर किस तरीके से हो, A goes to BC, मतलब कैपिटल A कैपिटल B C क्या है, यहां पे वेरिएबल है, या फिर A goes to small a, small a क्या है, टर्मिनल। या तो एक आपका वेरिएबल हो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉलोड बाय दो वेरिएबल्स हो राइट पे, या फिर एक लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल फॉलोड बाय सिंगल टर्मिनल। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, और ये देखो आपकी ग्रामर इसी तरीके से रिप्रेजेंट की है, या तो दो वेरिएबल है या फिर एक एक टर्मिनल है। तो ये सबसे पहला पॉइंट नोट कर लेना, अगर आपकी ग्रामर CNF की फॉर्म में नहीं है तो पहले CFG को CNF की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप CY के लगा सकते हो। और दूसरा, इट इज यूनिवर्सल, मतलब कहने का कोई मर्जी आप CNF दे दो, कोई भी आप CNF दे दो, मतलब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आप कोई भी दे दो ग्रामर, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, स्ट्रिंग नोट कर लो ए बी बी बी। तो ये देखो 1 2 3 4, लेंथ क्या है, 4। लेंथ अगर 4 है तो आप इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनानी है, हाफ हाफ मैट्रिक्स बनानी है इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, 4x4 की आप कह सकते हो, लेकिन 4x4 में तो टोटल हो जाते 16, लेकिन मैंने 16 पूरे नहीं बनाए, मैंने सिर्फ अप टू डायगोनल तक ही बनाए हैं, अपर लोअर बनाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे इसके ना आपको अलग अलग बुक्स में, अलग अलग नोट्स में, या कहीं भी कह सकते हो सोर्सेज में, अलग अलग वे से भी दिया हो सकता है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अगर आप एक यूनिक मेथड फॉलो करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आंसर ऑलमोस्ट आपके सेम ही आएंगे। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकती है, लेकिन इसी तरीके से 1 2 3 4 ऐसे लिखना, 1 2 3 4 इस तरीके से लिखना, इस तरीके से मैट्रिक्स बना लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भरेंगे ये
वन वन, ये देखो पोजीशन कौन सी है, वन वन, ये वाला डिब्बा वन वन, ये कौन सी है टू टू, ये कौन सी है थ्री थ्री, ये कौन सा है फोर फोर। तो सबसे पहले हम डायगोनल वाले फिल करेंगे, तो सबसे पहले आ जाते हैं जी वन वन, वन वन मतलब ये वाला डिब्बा, ठीक है। अब ये वन वन में मतलब आपको क्या देखना है, फर्स्ट ए बी 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 में फर्स्ट जो आपका टर्मिनल कौन सा है, ए। तो देखो ए जो है वो वन वन पोजिशन पे है, या आप कह सकते हो फर्स्ट पोजिशन पे है। अब ए को कौन डिराइव कर रहा है, देखो अब आप ग्रामर में देखो ए को कौन डिराइव कर रहा है, कौन सा वेरिएबल डिराइव कर रहा है ए को, कैपिटल ए। तो यहां पे क्या लिख दो, कैपिटल ए, सिंपल। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्या है, टू टू, ये कौन सा है टू टू, टू टू मतलब सेकंड वाला, सेकंड कौन सा वेरिएबल, कौन सा टर्मिनल है बी। तो देखो बी को कौन डिराइव कर रहा है, बी को कौन डिराइव कर रहा है, कैपिटल बी। तो यहां पे क्या लिख दो, कैपिटल बी, सिंपल, बहुत इजी है। हाँ अगर इस लेट से कि एक से ज्यादा अगर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप मल्टीपल भी लिख सकते हो कोमा डाल के, अभी आगे भी ये सिनेरियो आ जाएगा। कोई भी नहीं कर रहा तो आप फाइव लिख दो, मतलब नल है, कोई भी नहीं कर रहा। तो इस मतलब कहने का पॉइंट क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जस्ट आपको सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो मैं क्लियर करवा दूंगा इसी एग्जांपल में। देन देखो उसके बाद थ्री थ्री, थ्री थ्री मतलब थर्ड वाला, थर्ड क्या है बी, और बी को हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, बी को कौन डिराइव कर रहा है, स्मॉल बी को, कैपिटल बी। तो इस तरीके से भी लिख लो। फोर फोर, फोर फोर कौन सा आपका, स्मॉल बी, अगेन कौन सा आ गया आपका बी। तो पहला वाला जो आप कह सकते हो डायगोनल एलिमेंट सारे फिल हो गए। अब आते हैं जी नेक्स्ट, ये देखो कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन है वन टू, कौन सी पोजीशन है वन टू, रो वन है कॉलम टू है। तो उसी से उसी वे में आपको चलना है, वन टू। अब वन टू को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, वन टू का मतलब क्या है, ये दिस वन ए बी। अब वन टू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप वन वन ले लो और टू टू ले लो और दोनों को कंकैटिनेट कर लो। क्यों, वन वन क्या दे रहा है, ए दे रहा है, टू टू क्या दे रहा है, बी दे रहा है। तो दोनों को कंकैटिनेट करोगे क्या आएगा, ए बी आएगा। तो वन टू क्या है, वन टू मतलब ए बी तो है, तो वही तो निकाल है। तो वन वन और टू टू को कंकैटिनेट। अब देखो वन वन पोजिशन ऑलरेडी भर चुके हैं, ये रहा ए, तो वन वन में क्या आ गया, कैपिटल ए। टू टू में क्या आ गया, कैपिटल बी। तो यानी कंकैटिनेट करोगे तो क्या बन गया, ए बी बन गया। ए बी देखो कौन डिराइव कर रहा है, ए बी देखो कौन डिराइव कर रहा है, एस बी कर रहा है और बी बी कर रहा है। तो यहां पे क्या लिख दो, एस लिख दो और बी लिख दो, सिंपल। बस जो जो डिराइव कर रहा है वो यहां पे लिख दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पोजिशन कौन सी हमारी, ये देखो टू थ्री, ये पोजिशन हमारी टू थ्री। तो टू थ्री के लिए टू टू आ गया और थ्री थ्री आ गया। गेटिंग द पॉइंट ऑफ नोट, टू थ्री बनाना है अगर आपको, टू थ्री मतलब ये वाला, ये बनाना है, बी बी बनाना है। तो बी बी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बी बनाना पड़ेगा फिर बी और दोनों को कंकैटिनेट कर दो। तो टू टू में क्या दे रहा है, टू टू हमें क्या देगा, बी, और थ्री थ्री पोजीशन पे क्या है, बी। तो यानी डबल बी, तो डबल बी देखो कौन है, डबल बी आपका ये रहा, मतलब डबल बी कौन दे रहा है, कैपिटल ए दे रहा है। तो यहां पे आपका टू थ्री के केस में कैपिटल ए। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट देखो पोजीशन थ्री फोर, थ्री फोर के लिए क्या करना पड़ेगा, थ्री फोर के लिए भाई थ्री थ्री एंड फोर फोर को कंकैटिनेट। तो थ्री थ्री कौन सी है पोजीशन, ये रही, थ्री थ्री कौन सी थी, बी, और फोर फोर कौन सी थी, बी, ठीक है। तो बी बी दोनों को कंकैटिनेट करोगे तो बी बी बन गया, बी बी देखो कौन दे रहा, ए दे रहा है। तो यानी यहां पे ए बन दो। गेटिंग द पॉइंट, एक एक करके जस्ट आपको इस तरीके से चलना है। नेक्स्ट पोजीशन देखो, नेक्स्ट पोजीशन आपकी वन थ्री। अब थोड़ा सा आपको ध्यान में देना पड़ेगा, वन थ्री पोजीशन का मतलब क्या है, एक तरह से ये वन थ्री मतलब वन से थ्री, वन से थ्री मतलब ए बी बी बनाना है आपको, क्या बनाना है, ए बी बी। अब वन से थ्री बनाने के लिए एक तरह से वन से थ्री को आप क्या लिख सकते हो, टू भी आ गया ना। तो वन से थ्री बनाने के लिए एक मेथड आपका क्या हो सकता है कि आप पहले वन वन बना लो और टू थ्री के साथ कंकैटिनेट कर दो, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि आप वन टू बना लो और उसको कंकैटिनेट कर दो थ्री थ्री से। गेटिंग द पॉइंट, दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, या तो पहले वन वन बना लो और टू थ्री से कंकैटिनेट कर दो, या फिर पहले वन टू बना लो और थ्री थ्री से कंकैटिनेट कर दो। तो देखो वन वन, वन वन पोजिशन कौन सी है आपकी, कैपिटल ए, कौन सी है आपकी, कैपिटल ए। और टू थ्री देखो, टू थ्री पोजीशन कौन सी है आपकी, कैपिटल ए। तो टू थ्री पोजीशन भी क्या बन गई, कैपिटल ए। तो देखो डबल ए कहाँ है, डबल ए कहीं पे है ही नहीं। गेटिंग द पॉइंट ऑफ नोट, तो डबल ए कहीं पे है ही नहीं, मतलब एक तरह से ये फाई आ गया, ठीक है ना, डबल ए कहीं पे है ही नहीं तो फाई आ गया। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, हम इस तरीके से भी चल सकते थे, पहले वन टू और उसको कंकैटिनेट कर दो थ्री थ्री से। तो वन टू देखो, वन टू पोजिशन कहाँ है, ये रही एस बी, वन टू पोजिशन क्या है, एस और बी। और थ्री थ्री पोजिशन पे क्या है, थ्री थ्री पे क्या है, बी,
ठीक है, एस बी और बी को कंकेटिनेट करोगे तो क्या आएगा, एस बी को अगर कंकेटिनेट करोगे तो एस बी आएगा और बी को करोगे तो बी बी आएगा, ठीक है ना। मतलब एक तरफ एस बी और एक तरफ बी है, तो पहले एस को बी से कंकेटिनेट किया एस बी, फिर बी को बी से कंकेटिनेट किया बी बी। अब देखो एस बी कौन बना रहा है, एस बी कोई बना रहा है, कोई नहीं बना रहा, तो फाई आ गया, ठीक है। बी बी कोई बना रहा है, हाँ बी बी कौन बना रहा है, ए बना रहा है। तो सारे आंसर में से देखो, इससे पहले हमने ये वाला मेथड लगाया था ना 1-3 के लिए, इस मेथड ने क्या आउटपुट दी थी, 5। मतलब इसने क्या दिया आउटपुट, 5। कोई भी नहीं बना रहा, ए ए कोई भी नहीं बना रहा, यहां पे एक और 5 आ गया लेकिन एक कैपिटल ए भी आ गया। तो इन सारों का यूनियन ले लो, एक तरह से 5 5 और ए का यूनियन अगर आप लोगे तो आंसर क्या आएगा, कैपिटल ए। तो यानी इस पोजिशन पे 1-3 पोजिशन पे क्या आ गया, कैपिटल ए, ठीक है ना। इस तरीके से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2-4 पोजीशन बनाना है एक तरह से। आपको क्या करना है, ये वाला बी 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 2-4 तक अगर आपको बनाना है तो 2-3-4 बनेगा एक तरह से, पहले 2-3-4। तो यानी या तो आप 2-2 को पहले कंकेटिनेट कर दो 3-4 के साथ, या फिर 2-3 आप ले लो और उसको कंकेटिनेट कर दो 4-4 के साथ। तो देखो 2-2 आपकी पोजिशन कौन सी है, ये वाली बी, ये वाली है आपकी B, ठीक है ना। ये 2-2 B आ गया। 3-4 देखो, 3-4 कहाँ है, ये रहा, 3-4 क्या था, A। इन दोनों को कंकेटिनेट करोगे क्या बनेगा, BA। तो देखो BA कहाँ है ही नहीं, तो यानी क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2-3 कहाँ है आपका, 2-3 ये रहा A, और 4-4 कौन सा है, 4-4 है आपका B। लो जी AB कंकेटिनेट हो गया, मतलब AB आ गया। AB कौन डिराइव कर रहा है भाई, S और B, तो आंसर आपका बन गया S और B। Getting the point? Last रह गया अब आपका 1-4 देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना 1-4 मतलब पूरी स्ट्रिंग को जनरेट करना, पूरी को। तो 1-4 बनाने के लिए एक तरह से क्या बन गया, 1-2-3-4 आपके पास तीन ऑप्शन यहां पे बन रहे हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, 1-1 पहले कर लो और उसको कंकेटिनेट कर दो एक तरह से 2-2-4 के साथ। पहले आप अकेला 1-1 ले लो यहां पे, इस तरीके से 1 अलग कर लो, 2-4 के साथ आप कंकेटिनेट कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 1-2 ले लो और उसको आप 3-4 के साथ कंकेटिनेट कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो यहां पे 1-3 ले लो और उसको 4-4 के साथ कंकेटिनेट कर दो। तो इस तरीके से तीन आपके पास मेथड बन जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 1-1 वाला लें, ये वाला लें, तो 1-1 क्या था आपका, ए, और इसको कंकेटिनेट करना है 2-4 आपके पास क्या था, एस बी। तो इनको, इन दोनों को कंकेटिनेट करोगे तो एक तो क्या बनेगा, ए एस, और एक बनेगा ए बी। ए एस तो को तो कोई भी ड्राइव नहीं कर रहा, ए एस तो राइट हैंड साइड में है ही नहीं, लेकिन ए बी को कौन डिराइव कर रहा है, ए बी को डिराइव कर रहा है आपके एस और बी। तो लो जी एस और बी आपके यहाँ पे आ गए। वैसे तो इतनी जल्दी लिखना नहीं है, बाकी भी केस आपको देखने हैं, लेकिन मैंने एक बार लिख दिया, मे बी अगर कोई और आता है तो हम उसको कॉमा डाल के और भी लिख देंगे। देन आता जी 1-2 कहाँ है, 1-2 आपका ये रहा एस बी, 1-2 क्या है एस बी, और 3-4 क्या है, 3-4 है आपका A। तो इन दोनों को कंकेटिनेट करोगे तो एक तो एस ए बनेगा और एक बी ए बनेगा। तो ना एस ए है कहीं पे राइट में, ना बी ए है, तो कोई भी नहीं आएगा, 5 आ गया एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी 1-3-4-4 देखो क्या है, 1-3 आपका ये वाला A, 1-3 मैं यहां पे लिख देता हूं, 1-3 क्या है आपका A, 1-3 पोजीशन पे क्या है A, और 4-4 पे क्या है B, 4-4 पे आपका क्या है B। तो कंकेटिनेट करके क्या आ गया AB, और AB देखो कहाँ है भाई, S और B में है, वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो यानी ये पूरा का पूरा आपका एक तरह से मैट्रिक्स भर गई। इसको थोड़ा ध्यान से करना, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं। अब आपको चाहे 1-5 आपको लेट्स से अगर स्ट्रिंग की लेंथ 5 दे दें, 6 दे दें, आप कोई भी इजीली कर सकते हो, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको फाइनली क्या चेक करना है कि यार मैं 1-4 का मतलब क्या है कि पूरी स्ट्रिंग की लेंथ आ गई 1 से लेके 4 तक, और 1 से लेके 4 तक के बीच में S आ गया। कहने का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग सिंबल है वो आपका 1-4 में आ गया, पूरी जो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 1-4, और उसमें आपका स्टार्टिंग सिंबल आ गया। मतलब आपका स्टार्टिंग सिंबल जो S है वो पूरी की पूरी लेंथ को, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को क्या कर पा रहा है, डिराइव कर पा रहा है। अगर यहां पे S नहीं आता तो यानी ये बिलोंग नहीं करती, लेकिन अगर S आ गया तो मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये ग्रामर को बिलोंग करती है, इट इज अ मेंबर, दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। तो ये आपका आंसर बन गया, यानी ये आपका वैलिड मेंबर है। इसके अलावा देखो
अगर आपको कोई और भी पूछ लें, लेट्स से कोई और सबस्ट्रिंग भी पूछ लें, तो आप और सबस्ट्रिंग भी बता सकते हो, जैसे एस कॉमा बी है, ये देखो कौन सी पोजीशन है, 1 2, ये कौन सी पोजीशन है, 1 2, 1 2 का मतलब क्या है, ए बी, यानी एक और सबस्ट्रिंग इसमें ए बी भी बन सकती है, कॉमा डालने की जरूरत नहीं है, ए बी आपकी स्ट्रिंग बन सकती है। दूसरा देखो एस का एम है, ये रहा, मतलब 2 4, ये कौन सी है, 2 4, यानी 2 से 4 तक कौन सी है, बी बी बी, मतलब ये तो पॉसिबल है ही, वैलिड, इसके अलावा ए बी भी बन सकती है और ट्रिपल बी भी बन सकती है, आप मल्टीपल भी निकाल सकते हो क्योंकि ये पोजीशन आपकी 2 से 4 है, जहां जहां पे एस आ रहा है उससे आप निकाल सकते हो कि ये तो वैलिड है ही, इसके अलावा बाकी एक दो और भी वैलिड है। तो ये इस तरीके से आपको जो है वो सीवाई के एल्गोरिदम यूज करना है। फाइनली आपकी आ जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, एन क्यूब कैसे फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ सेल देखो, नंबर ऑफ टोटल सेल्स देखो कितने, नंबर ऑफ टोटल सेल्स कैसे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, यानी आप कह सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 up to n, n इज व्हाट, लेंथ, जितनी इसकी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वहां तक जाएंगे, यानी ये कितने नंबर ऑफ हो गए, कितने टोटल नंबर ऑफ हो गए भाई, n into n + 1 / 2, जिसको आप ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ आप कह सकते हो एक तरह से ये सेल्स आए, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आए, वो आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि n बाई n की मैट्रिक्स है, n स्क्वायर तो आपके आएंगे, डिवाइड बाई 2 भी करोगे क्योंकि अगर आप हाफ भी यूज कर रहे हो तब भी n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक तरह से ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही होता है, इन्फिनिटी डिवाइड बाई 2 करोगे तो इन्फिनिटी ही आंसर आएगा, तो आपका n स्क्वायर इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और हरेक सेल को इवेल्युएट करने के लिए वर्स्ट केस में कितना टाइम लग सकता है, तो देखो इस सेल को इवेल्युएट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा, इसको भी प्रीवियस से कर लिया, इसको प्रीवियस से कर लिया, लेकिन इसको इवेल्युएट करने के लिए, ये वाले को इवेल्युएट करने के लिए मुझे सारे प्रीवियस सेल्स को एक तरह से इवेल्युएट करना पड़ा, मतलब एन टोटल आपका वर्क लग सकता है, एन टोटल आपका टाइम लग सकता है अगर आपको वर्स्ट केस में एक सेल को इवेल्युएट करना है। तो टोटल कितने सेल्स हैं, एन स्क्वायर, तो यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एन क्यूब हो गई, तो ये नोट कर लेना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एन बाई एन की मैट्रिक्स है, n square आ गई, अगर आप हाफ भी यूज कर रहे हो इसका तब भी n square divide by 2 order of n square ही होता है, तो ये space complexity आ गई। तो मैंने सारे के सारे aspect, जितने भी points हैं CY के ऊपर, सारे के सारे आपको explain कर दिए। थैंक यू।